नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। परिवार पहचान पत्र PPP योजना के अपडेशन कार्य को लेकर के बैठक की गई। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। PPP सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, अपडेशन कार्य में लाएं तेजी। बैठक में उपस्थित निजी स्कूल संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 15 दिनों का लक्ष्य मान करके स्कूल संचालक PPP के अपडेशन कार्य को पूरा करें। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का काम सभी PPP रजिस्टर्ड डाटा को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूल संचालकों के साथ परिवार पहचान पत्र PPP अपडेशन कार्य को लेकर के बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य को सभी निजी स्कूल संचालक प्राथमिकता से लें और अपने अपने स्कूलों के सभी विद्यार्थियों के पहचान पत्र और उनके अपडेशन कार्य को गंभीरता से करें। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य परिवार की एक यूनिट ID तैयार करना मात्र है और पात्र व्यक्ति को विभिन्न सरकारी योजनाओं का पारदर्शी एवं त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य परिवार में सत्यापित प्रमाणिक तथा विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। भविष्य में प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जा सकेगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा है कि जिला में कुल 3,12,671 परिवारों को योजना के तहत रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इन सभी रजिस्टर्ड डाटा को अपडेट करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों के सहयोग की अपील की और कहा कि 15 दिनों में इसको लक्ष्य मान करके इस कार्य को पूरा करें। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। सिरसा जिले में अभी तक 3,12,000 टोटल एनरोल हो चुकी है। उनको अपडेट करने के लिए किसी मेंबर कोई मिस रह गया है, फैमिली में ID में उसका नाम नहीं आया है, तो उस अपडेशन प्रक्रिया के लिए हमने मुहिम चला रखी है, राज्य सरकार स्तर पे चली हुई है। तो इसको अपडेशन के लिए हमने आज ही मीटिंग रखी थी स्कूल में। तो हमारा मोटा मोटा टारगेट ये है कि स्कूल में जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उनकी सबकी कामयाबी बनी। सरकार का पेट प्रोजेक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ने वाली हैं फ्यूचर में, भविष्य में। तो इसके लिए हम प्रिपेरेटरी फेज चल रहे हैं, हमारे तैयारी कर रहे हैं कि एक अच्छा पूरा डेटाबेस, एक्यूरेट डेटाबेस हमारा बन जाए। तो लक्ष्य से हमने, जैसे आज स्कूल की बात की जाए तो हमने लक्ष्य रखा है कि विद इन 10 डेज 15 डेज का हमने रखा है कि सारा एनरोलमेंट हो जाए।